हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीरियस बूस्टर पर। और यह सीरीज़ जो चल रही है वह एसएससी फाउंडेशन बैच 1.0 चल रही है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम इसे जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। बस आप लोग हमें मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेट कैसे करना है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। जो आज का टॉपिक है वो ट्रेन एक्सीडेंट है। ट्रेन एक्सीडेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन थोड़े से कम पूछे जाते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं ट्रेन एक्सीडेंट कैसे करते हैं सॉल्व। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रेन है हमारे पास। ए ट्रेन मीट्स एन एक्सीडेंट आफ्टर ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर एंड स्टार्ट्स मूविंग 2/3 ऑफ द फॉर्मल स्पीड एंड रीच इट्स डेस्टिनेशन 40 मिनट लेट। इफ़ एक्सीडेंट हैड टेकन प्लेस 30 किलोमीटर फर्दर, it would have reached its destination only 20 minutes late. Find the original speed and distance doubled by it. एक ट्रेन 50 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, इसके पश्चात वह अपनी प्रारंभिक चाल से चलना शुरू करती है और अपने गंतव्य पर 40 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 30 किलोमीटर दूर हुई होती तो वह केवल और केवल 20 मिनट देरी से पहुंचती। ट्रेन की वास्तविक गति और उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे तरीके से रीड कीजिए। रीड करने के बाद अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चन होता है वो लैंग्वेज का ही खेल होता है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना है और फिगर आप जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तभी ज़रूरत पड़ेगी। जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद इन फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो एक ट्रेन है, मान लेते हैं वह ए से चल रही है और बी पर जा रही है, लेकिन कुछ दूरी पर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, अब चली कितनी है, 50 किलोमीटर चली है। जो जो हम स्टेप फॉलो करेंगे बस उन्हीं स्टेप को देखते रहिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो ये लेट कितनी हो रही है, अगर यह एक्सीडेंट यहाँ पे इसका हो जाता है तो लेट हो रही है 40 मिनट्स। अगर एक्सीडेंट 30 किलोमीटर आगे हुआ होता, यानी कि एक्सीडेंट यहाँ पे ना होकर यहाँ पर हुआ होता, तो जो ट्रेन थी वो अपने गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन पर केवल और केवल 20 मिनट लेट पहुंचती। इतना आ गया समझ में। अब आपको जो स्पीड दी गई है उसका इस्तेमाल करना है। ये आपके पास स्पीड है, हमने आपको बताया है कि स्पीड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/टाइम के। तो आपको क्या करना है, स्पीड जो चल रहा था सबसे पहले वो 3 की स्पीड से चल रहा था, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वह 2 की स्पीड से चलेगा। तो वह पहले 3 की स्पीड से चल रहा था, जब एक्सीडेंट हो जाएगा ट्रेन का तो वह 2 की स्पीड से चलेगी। तो जो टाइम हो जाएगा हमारे पास वह 2 से 3 हो जाएगा, यानी कि जो टाइम का गैप है वो 1 यूनिट है। और हमें 1 यूनिट निकालना कहाँ से है, तो यहाँ से निकालना है। यहाँ पर देखिए, जो टाइम गैप है हमारे पास वह 20 मिनट्स है। यहाँ पे 40 मिनट लेट हुआ था, यहाँ पे 20 मिनट लेट हुआ, तो जो लेट हुआ ना केवल और केवल 20 मिनट, यानी कि दोनों ही टाइम का गैप कितना आ गया, 1 यूनिट, और यहाँ पर कितना आ गया, 20 मिनट। तो 1 यूनिट 20 मिनट्स के बराबर हो जाएगा। तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 40 मिनट्स हो जाएगा। अब ये जो 2 यूनिट है ना, ये किसकी वजह से है, तो ये इसकी वजह से है, क्योंकि जो ये गैप आया है ना, किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से आया है। तो ये वाला ही हम टाइम गैप लेंगे। तो जब 40 मिनट्स में मैं कितना कवर कर ले रही है, 30 किलोमीटर कवर कर ले रही है, तो वह 60 मिनट में कितना कवर करेगी, क्योंकि 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में चली गई दूरी को ही हम स्पीड बोलते हैं।
तो 60 मिनट्स में यह कवर करेगी 30 × 60/40, तो ये आपके पास आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो आपके पास स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 45 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब लेकिन आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। ये तो 50 किलोमीटर आपके पास अवेलेबल है, ये 30 किलोमीटर अवेलेबल है। अब ये 20 मिनट्स ये हो गया पोर्शन, 20 मिनट्स ये पोर्शन हो गया, क्योंकि जो लेट हुआ था ना वो 40 मिनट्स हुआ था, ये 20 मिनट्स के बराबर हो गया, क्योंकि 20 मिनट लेट ही तो यहाँ पे हुआ है ना, यानी कि 20 मिनट्स वो चल लिया था, 20 मिनट चल लिया था तभी 20 मिनट लेट हुआ। अगर ये एक्सीडेंट यहाँ पे ना होकर यहाँ पे होता तो कुछ लेट ही ना होता, ठीक है, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये 40 मिनट्स हमें निकालना है, तो या तो डायरेक्ट आप कर दीजिए, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 50 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 50, 30, 30, यानी कि 110। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 45 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर हो जाएगा। ये आपका हो गया ट्रेन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जहाँ पे एक्सीडेंट होता है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, हम जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सीडीएस बूस्टर, वहाँ पे अवेलेबल करा देंगे। तो वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाकर सीडीएस बूस्टर सर्च करना है और उसको ज्वाइन कर लेना है, उसी में आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहाँ पे बहुत सी पीडीएफ हैं जिनको आप लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, ए ट्रेन मीट्स एन एक्सीडेंट आफ्टर ट्रेवलिंग 3 आवर, इफ इट स्टॉप्स फॉर 1 आवर आफ्टर एन एक्सीडेंट एंड स्टार्ट्स मूविंग 75% ऑफ इट्स फॉर्मर स्पीड एंड रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन 4 आवर लेट। इफ एक्सीडेंट हैड टेकन प्लेस 150 किलोमीटर फर्दर इट वुड हैव रीच्ड ओनली 3.5 आवर लेट। फाइंड ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट। 3 घंटे की यात्रा के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, वह दुर्घटना के बाद 1 घंटे के लिए रुकती है तथा अपनी पूर्व गति के 75% से चलना शुरू करती है। अपने गंतव्य तक 4 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो यह केवल 3.5 घंटे देरी से पहुंचती। ट्रेन की वास्तविक गति और उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये आपके पास क्या हो गया, एक ट्रेन हो गई, बैक पहले 3 आवर चली, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वह 1 घंटे रुकती है, फिर चलना शुरू करती है और बी पर पहुंचती है, जिससे उसे 4 घंटे देरी से पहुंचना होता है, ठीक है, यानी कि एक्सीडेंट के बाद वह 4 घंटे लेट हो जाती है। लेकिन अगर ये एक्सीडेंट यहाँ पर ना होकर 150 किलोमीटर आगे हुआ होता, फिर 1 घंटे वह रुकी होती, फिर बी के यानी कि स्टेशन पर अपने गंतव्य पर पहुँची होती, तो यह केवल और केवल 3.5 आवर लेट होती। यानी कि जो 3.5 आवर लेट हुई और 4 आवर पहले लेट हुई थी, दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 0.5, यानी कि हाफ आवर है, यानी कि उसने हाफ आवर चल लिया है तभी वो 3.5 आवर लेट हुई है, यानी कि उसने जो चला था 150 चला था। तो इसी से हम इसका कंपैरिजन करेंगे, लेकिन पहले हम जो करते हैं वो कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हमें स्पीड जो दी गई थी उसको देखिए, पहले वो 100% से चल रही थी, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद 75% से चलने लगी, यानी कि 25 4 जा 25 3 जा, तो जो टाइम हो जाएगा जो हमारे पास टाइम हो जाएगा वो 3 से 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो गैप हो रहा कितना हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है, और 1 यूनिट यहाँ पे गैप कितना है, 0.5 आवर का, यानी कि 1/2 आवर का गैप हो रहा है।
और जो गैप हुआ है ना 1.2 आर का, किसकी वजह से हुआ है? तो इसकी वजह से हुआ है। अगर वह एक यूनिट 1.2 आर गैप ले रही है, 3 आर उसमें कितना गैप लेगी? तो 3/2 आर हो जाएगा उसका। अब 3/2 आवर्स में उसने डिस्टेंस कवर की 150 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि जो हम टाइम लेट लेते हैं ना, उसी का हम जो डिस्टेंस होती है वो भी लेते हैं। जब हमने टाइम लेट वाला लिया है तो जो ये हुआ ना, इसको ही हम लेंगे, क्योंकि यही हमारे पास पिछले क्वेश्चन में भी ये अवेलेबल थी और इस क्वेश्चन में भी यही अवेलेबल है। अब 3/2 आवर्स तो हो गया, लेकिन हमें तो 1 आवर का निकालना है, क्योंकि 1 आवर में ही हमें स्पीड मिलती है। तो 1 आवर के लिए करेंगे तो 150 × 2/3 हो जाएगा। यहाँ से जो हमारे पास स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, यानी कि उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हो गई। और अब हमें निकालना है उसकी डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी। अब उसकी इस जो स्पीड है वो कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर है। तो उसने जो कवर किया होगा वो 300 किलोमीटर कवर किया होगा। अगर एक घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर रही है तो 3 आवर्स में वो 300 किलोमीटर कवर करेगी। 150 उसकी डिस्टेंस ये हो गई, या आप यहाँ से डायरेक्ट पूरा निकाल लीजिए, ठीक है। वो 1/2 आवर्स में जो लेट हो रही है वो कितनी लेट हो रही है? 150 और लेट हो रही है, कहाँ गया? आधा घंटा जब लेट हुई थी गाड़ी तो 150 किलोमीटर वो चली थी। जब वो 4 घंटे लेट होगी तो कितना चलेगी? तो 150 × 4 × 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वह 1200 आ जाएगा। सॉरी, ये 1 आवर लेट था ना, यहाँ पे तो वो चली नहीं थी गाड़ी, तो यहाँ पे हम 3 लेंगे, क्योंकि 1 घंटे तो वो रुकी रही, 1 घंटे रुकी रही तो उसमें तो गाड़ी चली नहीं होगी, तो केवल 3 घंटे ही गाड़ी चली होगी। थ्री आवर्स में कितना हो जाएगा? तो 150 × 3 × 2, ये हो जाएगा आपका 900। तो टोटल डिस्टेंस जो आपके पास हो गई यहाँ से यहाँ तक आपकी 900 हो गई, और ये 300 इसमें और जोड़ दीजिए तो 9 × 3 = 1200, तो 1200 आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह ट्रेन एंड एक्सीडेंट वाला जो टॉपिक है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके जो क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए हम आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा देंगे। टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है और उस पर प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।